हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि स्थिति पहले जैसी बनी है। एम्स दिल्ली के CCU कार्डियो में उनका इलाज चल रहा, डॉक्टर राकेश यादव के अंडर में वो इलाजरत हैं। आपको बता दें कि पटना के पारस अस्पताल से उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली ले जाया गया। 11:30 बजे रात के समय उन्हें CCU में भर्ती कराया गया था। उनकी विभिन्न तरह की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति जैसी पटना में थी उसी तरह बनी है, कोई सुधार नहीं है। हालांकि लालू प्रसाद होश में है और इशारों में बात भी कर रहे। अगली खबर, नवादा में फिल्म काली को लेकर बवाल। नवादा में हिंदू संगठनों के द्वारा TMC सांसद महुआ मोइत्रा और फिल्म मेकर लीना मनी मेकलाई के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष माधवी बर्नवाल ने कहा कि माता काली का अपमान TMC सांसद और फिल्म डायरेक्टर लीना द्वारा किया गया है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करेंगे। अगली खबर, जीतनराम मांझी का बड़ा दावा, JDU को तोड़ने में सक्षम है RCP सिंह। CM नीतीश कुमार के लिए कही बड़ी बात। आपको बता दें कि राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद RCP सिंह के इस्तीफे के बाद जीतनराम मांझी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि RCP सिंह भी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने में सक्षम है और RCP सिंह ने काफ़ी वक्त तक संगठन में काम किया है, लोगों से उनकी पहचान है। मांझी ने कहा कि RCP सिंह में क्षमता है और वो कभी भी JDU को तोड़ सकते हैं। अगली खबर, सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाने के बाद इसके विकल्प पर नजर है। सिंगल यूज प्लास्टिक ना तो रिसाइकल होता है ना ही मिट्टी में मिलने के बाद गलता है, इसलिए ऐसे बायो प्लास्टिक पर नजर है जो जमीन में जाने के बाद एक खाद बन जाए और पर्यावरण को नुकसान ना हो। इस दिशा में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा कदम उठाया है। साथ ही ऐसी यूनिट की स्थापना में भी बिहार के उद्यमी आगे आए। शुरुआत में कहा गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। हालांकि यह मटेरियल देश में नहीं है, इसलिए उद्यमियों ने इसे आजमाने के लिए जर्मनी से आयात किया। इससे प्लास्टिक के कप ग्लास बनाए गए, लेकिन ये 4 गुना महंगे साबित हुए, इसलिए उद्यमियों ने इसे नकार दिया है। अब DRDO ने एक ऐसा बैग तैयार किया है जो कि बेहद सस्ता है और बिहार में उसका इस्तेमाल हो सकता है। अगली खबर, दरभंगा में एक साथ 4 बच्चों की हुई डूबने से मौत। घर से खेलने के बहाने निकले थे नाबालिग। बिहार के दरभंगा से एक साथ 4 बच्चों के डूबने से मौत की घटना सामने आई है। घटना यहाँ के सिंहबाड़ा थाना क्षेत्र के रामपुरा पंचायत स्थित मिर्जापुर जगनी टोला की बताई जा रही। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली है और मृतक बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बिहार के दरभंगा से एक साथ 4 बच्चों के डूबने से मौत की घटना सामने आई है। मृतकों की पहचान जावेद अंसारी, नफीस अंसारी, मोहम्मद इरशाद और मोनू सिकलगर के रूप में हुई। अगली खबर, बिहार में ढाबा खोलने के लिए नीतीश सरकार दे रही 50 लाख रुपए। और आपको बता दें कि बिहार में लोगों के लिए अच्छी खबर है जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं। बिहार सरकार अब राज्य में ढाबा खोलने पर 50 लाख रुपए का अनुदान देगी। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने दूसरे राज्यों से बिहार में प्रवेश करते ही सड़क किनारे लग्जरी ढाबा जैसी सुविधा देने की योजना बनाई है। इसके तहत पर्यटन विभाग 3 वर्षों में 150 से अधिक लग्जरी ढाबा खोलने की तैयारी में है। इस बिजनेस को करने की इच्छा रखने वाले लोग अपना आवेदन पर्यटन विभाग को दे सकते हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा लग्जरी ढाबा खोलने के लिए 23 हाईवे एवं सड़कों को चिन्हित किया गया है। इन सड़कों में वाराणसी गोरखपुर और कुशीनगर प्रमुख सड़क में शामिल है। अगली खबर, लखनऊ वाराणसी के लिए मोतिहारी से खुलेगी आधुनिक बसें। यात्रियों के लिए 8 लाख का बीमा भी दिया जाएगा। सरकार की नई नीति के तहत एक जिले को दूसरे जिले एवं राजधानी दिल्ली समेत अन्य शहरों से जोड़ने के लिए चलाए जाने वाले यात्री बसों में मोतिहारी परिवहन डिपो को भी आधा दर्जन से अधिक आधुनिक बसें मिलेगी। फिलहाल 49 गाड़ी का परिचालन हो रहा, जिसमें पटना के लिए 11 बसें चल रही है। आने वाले दिनों में इसकी संख्या में और भी वृद्धि होगी। सरकार की नीति के तहत अब मोतिहारी प्रतिष्ठान से गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी और रांची के लिए AC एवं सेमी डिलक्स बसों का परिचालन किया जाएगा, जिसका प्रस्तावित समय, किराया आदि का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। अगली खबर, बिहार के 8 जिले में अधिक हो रहा बालू का अवैध खनन, ढुलाई भी ज्यादा हो गई, अब कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जहां बालू का अवैध खनन सर्वाधिक होता है, साथ ही इसकी ढुलाई की जाती है। इन जिलों में महीने में औसतन 4 से 5 वाहनों को अवैध ढुलाई के आरोप में जब्त किया जाता है। हाल ही में एक समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई, जिसके बाद अवैध उत्खनन और बालू की ढुलाई करने वाले अवैध वाहनों के खिलाफ ड्रोन की मदद से अभियान चलाने का फैसला किया गया है।
प्रमुख 8 जिले जिनमें सबसे ज़्यादा बालू की ढुलाई अवैध तरीके से होती है उसमें किशनगंज, जमुई, सुपौल, शिवहर, बक्सर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मधेपुरा शामिल है। अगली खबर, बिहार में अब तेजी से फैलने लगा कोरोना का संक्रमण, पॉजिटिविटी रेट में भी भारी इजाफा। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे, इसके साथ संक्रमण का दर भी खतरनाक स्तर से ऊपर जा रहा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में राज्य के 136,986 कोविड टेस्ट किए गए। इनमें पटना में 137, भागलपुर में 23, सुपौल और सहरसा में 14-14, जहानाबाद में 12, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में 10-10 केस मिले हैं, जबकि बेगूसराय में 9 नए कोविड संक्रमित मिले हैं। राज्य में पटना जिला ही एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ सक्रिय मामले 766 पर पहुँच गए। बक्सर, कैमूर, शेखपुरा, शिवहर में अब तक 1 भी सक्रिय मामले नहीं हैं। अगली खबर, बिहार में डायल 112 पर कॉल करने वालों का दिखेगा नाम और लोकेशन। आपको बता दें कि बिहार में बिहार सरकार ने 112 डायल का एक पुलिस पैन चालू किया है। इसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में डायल 112 का कॉल रिसीव करने से लेकर पीड़ित व्यक्ति तक मदद पहुंचाने और उसका फीडबैक लेने तक की सारी व्यवस्था तकनीक आधारित होगी। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। 8-8 घंटे की 3 पालियों में पुलिसकर्मी एवं अधिकारी काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली की पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने सीएम को बताया कि राज्य में किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति 112 पर कॉल कर सकता है। सभी कॉल पटना स्थित कमांड एंड सेंटर में रिसीव होंगे और इसके लिए 3 पालियों में 90 महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। शिकायत सही पाए जाने पर एवं रजिस्ट्रेशन के बाद इसे डिस्पैच अफसर के पास ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए 24 अफसर लगाए गए हैं। अगली खबर, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि उनकी भूमिका बिहार की राजनीति में क्या होगी। जदयू में मंत्री पद से हटने के बाद उन्हें क्या जिम्मेवारी दी जाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र यादव ने दे दिया। उनका कहना है कि जदयू में आरसीपी सिंह की भूमिका अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तय करेंगे। आरसीपी सिंह को पार्टी में जिम्मेवारी दिए जाने के सवाल पर ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि उनको क्या काम दिया जाएगा ये अलग विषय है, लेकिन आरसीपी अभी पार्टी में है। आरसीपी सिंह को पार्टी के मेंबर के रूप में अभी रखा गया है और उनकी जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह तय करेंगे। अगली खबर, छपरा में लंगूरों का आतंक, दर्जन भर लोगों को किया घायल। छपरा के सोनपुर इस्माइल चक में इन दिनों लंगूरों का आतंक है। लंगूरों ने विगत एक सप्ताह में लगभग दर्जन भर लोगों को काटकर घायल कर दिया। सोनपुर के इस्माइल चक में लंगूरों ने एक साथ 3 लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। लंगूरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग घर से बाहर निकलने के लिए पहले व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लंगूरों का लोकेशन लेकर निकल रहे। जिस क्षेत्र में लंगूरों की मौजूदगी रहती है वहां लोग लाठी डंडे के साथ ग्रुप बनाकर निकल रहे। लंगूर इंसान पर छिपकर हमला कर रहे हैं। अगली खबर, राज बब्बर को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। 26 साल पहले लखनऊ में चुनाव अधिकारी से की थी मारपीट। एमपी एमएलए कोर्ट ने अभिनेता राज बब्बर को 2 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। राज बब्बर को यह सजा 26 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने सुनाई है। लखनऊ के बजीरगंज में उन्होंने चुनाव अधिकारी से मारपीट की थी और इसकी FIR 2 मई 1996 को दर्ज कराई गई थी। अगली खबर, पीएम मोदी गुरुवार को वाराणसी पहुंचे और यहां पर उन्होंने भोजपुरी से सभी का संबोधन किया। मोदी ने कहा कि काशी के नागरिकों ने पूरे देश को संदेश दे दिया है, शॉर्टकट से देश का भला नहीं हो सकता। हाँ, कुछ नेताओं का जरूर हो सकता है, हमारे लिए विकास का अर्थ सिर्फ चमक दमक नहीं है। विकास का अर्थ ये है कि दलित, गरीब, वंचित, पिछड़े, आदिवासी माताओं और बहनों का सशक्तिकरण भी होता रहे। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोज़ा